हेलो जी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। अभी पीजी में सब लोग सो रहे हैं जबकि अभी 5 बज चुके हैं और आज महाशिवरात्रि है। ये ब्लॉग मैं इवनिंग से इसलिए स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि सुबह से मैंने कुछ नहीं किया था। रात को जो थकान थी सुबह आराम से सोती रही मैं, और अभी मैं रेडी हो गई हूँ नहा धो के मस्त फूट गर्ल बन के, और अब मैं जाऊँगी मंदिर। और वडोदरा में शिव जी की सवारी निकल रही है, तो वो कहाँ से निकल रही है, कैसे क्या है ये मुझे पता नहीं है। मैंने वरुण को बोला है अगर वो चलेगा तो वो मुझे भी दिखा देगा, अगर वो नहीं जाएगा तो भी उमा चार रास्ता पे तो अगर आएगी तो मैं देख ही लूँगी अगर आएगी तो। यार इस ब्लॉग को यहीं से स्टार्ट करते हैं। आप सबको महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएँ। चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं। गाइस, मेरी ड्रेस कुछ इस तरीके की थी। इसके ऊपर मैंने येलो जैकेट डाल रखा था और उस टाइम मैं रेडी हो गई थी। उसके बाद बहुत बाहर धूप थी इसलिए मैं गई नहीं मंदिर। अभी 10 या 15 मिनट बाद मैं मंदिर के लिए निकलूंगी तो आपको भी लेके चलूंगी। आज पता नहीं क्या ही होगा क्या नहीं होगा क्योंकि मेरा ऐसे मन थोड़ा अजीब सा हो रहा है, क्योंकि आज के दिन ना हमारे यहाँ बेर खाई जाती है क्योंकि बेर प्रसाद में मिलती है, और ना मेरे पास बेर है ना प्रसाद चढ़ाने के कुछ है। मेरे पास पैसे है, मैं वही जाके प्रसाद में चढ़ा दूंगी, दर्शन कर लूंगी और थोड़ी देर मंदिर में बैठ भी जाऊंगी क्योंकि अच्छी फीलिंग आएगी आई होप। और अपने लिए कुछ मांग लूंगी कि शिव जी प्लीज, मैं यहाँ वडोदरा अपना घर बार छोड़ के वडोदरा यहाँ जिस चीज़ के लिए आई हूँ वो चीज़ पूरी हो जाए। तो अभी मैं आप लोग को मिलती हूँ सीधा मंदिर में। वैसे मैं अच्छी लग रही हूँ, क्लोज से मैं बहुत अच्छी लग रही हूँ, दूर जाए थोड़ी सी वियर्ड लग रही हूँ शायद क्योंकि इधर लाइटिंग अच्छी नहीं आ रही है। एक सेकेंड, हाँ अब लाइटिंग थोड़ी ठीक आ रही है। चलो ठीक है, अब सीधा आपसे मिलती हूँ मंदिर में। अभी जा रहे हैं, देखो सीएम पाप प्रोग्राम है अंदर। अच्छा, इसलिए वो पुलिस वाले यहाँ खड़े हैं। हाँ देखती हूँ वहां तक जाके एक बार। गाइस, कोई मतलब गुजरात के जो सीएम हैं वो आए हैं दौरे पे, तो इसलिए यहाँ पे बहुत पुलिस खड़ी थी और बोल रहे हैं कि अब कहीं जाने नहीं देंगे, उस साइड जाने नहीं देंगे, बट मैं आ गई हूँ, पर देखती हूँ जाने दें अगर तो।
गाइज ये मंदिर, अरे ये मंदिर मेरे पीजी के बहुत पास में है, मैं इससे पहले कभी नहीं आई थी, लेकिन इतना सुंदर है ये यार। और इसका बैक यार्ड है, मतलब मंदिर के पीछे ये एरिया है, इतना सुंदर है ना, बहुत अच्छा लगा। थैंक गॉड सुबह से नहीं आई थी, लेकिन आई तो एकदम अच्छी जगह आई, एकदम मस्त है एकदम। मैं दर्शन करके आ गई, आंटी नीचे खड़े हैं, और अभी हमारे छत से ही दिखेगा जहाँ पे वो मंत्री जी गए, वो हमारे छत के जस्ट बगल वाली जो लेन है वहीं से जा रहे हैं। तो मैं जा रही हूँ ऊपर छत पे, देखती हूँ कब जाएंगे वो। गए वडोदरा, गाइस वडोदरा में सुरसागर लेक के पास शिव जी की एक बहुत बड़ी मूर्ति नई बनी है, तो उसी के इनॉग्रेशन यानी उद्घाटन के लिए वो मंत्री जी आ रहे, भूपेंद्र पटेल जी, जो अभी यहाँ पे पता नहीं किस ले गए ये नहीं पता मुझे, पर इसके बाद वो वहीं जाएंगे। और आज सब लोग वहाँ पे ना महाआरती होगी, तो आज सब लोग वहाँ पे अपने घर से आरती की थाली लेके जाएंगे। और कम आंटी बता रही थी कम से कम ना कुछ तो 30-40 हज़ार की पब्लिक वहाँ होगी आज, पर मैं नहीं जाऊँगी अब। कृपाली आज मैं आप लोग को इससे ऐसे ऑफिशियली इसलिए मिला रही हूँ क्योंकि इसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न है, वो रीज़न आपको बहुत दिन बाद पता चलेगा, तुझे तो पता है। हम दोनों वेट कर रहे हैं उधर सीएम जाए वहाँ से, ये जो दिख रहा है ना गार्डन सा, इसके जस्ट पीछे वाली जो गली है वहाँ पे पुलिस भी खड़ी होगी, इधर देखो सारी पुलिसें लगी हुई हैं, वहीं से जाएगा वो, तो हम वही देखने के लिए खड़े हैं। मैंने एक दो रील शूट की बहुत अच्छी अच्छी वाली, जिसमें कृपाली ने हेल्प की, बहुत अच्छी रील शूट हुई है। एंड सेकंड थिंग कि शिवरात्रि का ब्लॉग मैं सोच रही हूँ यहीं एंड कर दूँ, बट मुझे पता है कुछ ना कुछ ऐसा हो जाएगा कि मुझे पीजी से बाहर जाना पड़ जाएगा, क्योंकि वो शिव जी की जो सवारी निकलेगी उसके लिए अभी वरुण का कॉल आ रहा था, बट मैंने रील्स के चक्कर में कट कर दिया। अब मैं उसको एक बार कॉल बैक कर लेती हूँ, उसके बाद आपको बताती हूँ कि मेरा आगे का प्लान क्या है। आओ यार 6:44 इट मीन्स 6:44 हो रहे हैं, बट स्टिल हमारी छत पे इतना उजाला है कि मैं आराम से व्लॉगिंग कर सकती हूँ। और प्लान ये है कि मैं कोई शिवजी की सवारी देखने नहीं जा रही, मेरी किस्मत में ही नहीं है इस साल, शायद अगले साल चली जाऊँ, क्योंकि मेरे दोनों दोस्त बहुत भाव खा रहे हैं, भाव नहीं खा रहे हैं, तो उनके पास जेन्युइनली कोई काम होगा इसीलिए, तो इसलिए मैं नहीं जा रही शिवजी की सवारी देखने। और अब मैं जा रही हूँ, देखो ये मैंने एक साइड का बस ये जैकेट डाल रखा है अभी। अब मैं जा रही हूँ नीचे, मेरे पास जो कपड़े रखे हुए हैं बहुत दिन से वो फोल्ड नहीं किया, वो फोल्ड करूँगी, पूरी अलमारी सेट करूँगी, उसके बाद खाना पीना खाऊँगी और सो जाऊँगी। तो इस ब्लॉग को मैं यहीं एंड करती हूँ। हैप्पी शिवरात्रि, हैप्पी महाशिवरात्रि आप सबको, आई विश शिवजी आप सबकी विश पूरी करें और मेरी भी करें, और बस और कुछ नहीं, सबको हैप्पी महाशिवरात्रि। अभी मैं खुद को बहुत अच्छी लग रही हूँ, इसलिए मेरा मन कर रहा है और बोलूँ, बट अभी कुछ कहने के लिए है ही नहीं, तो मैं क्या ही बोलूँ। तो ठीक है, इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।